हेलो गाइस, क्या हाल चाल? आई होप सब ठीक होंगे। और दो तीन दिन वीडियो नहीं डाल पाए बिकॉज ऑफ फंक्शंस एंड फेस्टिवल। और चलो ये छोड़ते हैं क्योंकि 3.4 अपडेट पबजी मोबाइल में आ चुका है। ये खेलने का मन भी नहीं कर रहा है, बहुत दिनों से क्लिप पड़ी थी, तगड़ी वाली क्लिप थी, तो हमने सोचा चलो अपडेट कर देते हैं। बट क्राफ्टन वालों से रिक्वेस्ट है कि भाई लोग, आप लोग को वही अपडेट है, सेम अपडेट है, सेम टू सेम चीज़ है, सब कुछ वही है, तो फिर डाल ही दो ना यार। एक हफ्ता पहले पबजी में डाल के क्यों हम लोग का खून जला रहे हो? और कौन सा तुमको सर्वर ऑप्टिमाइज़ करना है या कुछ भी ऑप्टिमाइज़ करना है? अरे डाल दो जैसा भी है, साल भर से तो वैसे वो ऐसे खेल रहे, ऐसा ही खेल रहे और का ही बताए। और चलिए छोड़ते और एंजॉय करते आ जाओ। वैम्पायर वाला अपडेट हम लोग को भी खेलने का मौका चाहिए कि नहीं? आई रिक्वेस्ट प्लीज, हम लोग को भी दे दो यार। देख देख के खून जला जा रहा है उसको। उतरते ही दो बंदों को पहल दिया और हमारे साथ ये सीन हो गया कि ऊपर बंदा कैंपिंग कर रहा था। अब क्या ही कर सकते इनको। चलिए कोई बात नहीं, रिकॉल होके आते हैं और इनको पेलते। आ जाओ। आते तो हम बदला लेने हैं, बट पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है कैंपर का चोला। बट कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको क्या होने वाला है। अब इस डरे डरे से समय समय से बंदे को मारने के बाद हम आते हैं ऊपर। हमको लगता है कि ऊपर बंदे कैंप कर रहे होंगे, बट बंदे ऊपर नहीं, नीचे होते हैं ट्राइडेंट खोलने के फिराक में। और वो लोग ट्राइडेंट खोल भी देते हैं, और अब खोला और हम लॉबी में है, तो फिर भाई सीन करना तो बनता है। आइए इन लोगों के साथ सीन करते हैं। आ जाओ। हाँ जी, तो फिर ये ऐसे तरीके की ग्लिच तो आप लोग फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, और 3.4 अपडेट डिले कर दे रहे हैं। अरे भैया 3.3 तो मैं तो खेला ही है, 3.2 में भी खेला, 3.1 में भी खेला है। भाई तुम्हारे बग्स एंड ग्लिचेस की आदत हो चुकी है हम लोगों को अब, और सर्वर ऑप्टिमाइज नहीं है उस चीज़ की भी आदत हो चुकी है। तो फिर हम लोग को जब आदत हो चुकी है, तो 3.4 अपडेट को डिले करके आप कौन सा सर्वर ऑप्टिमाइज़ कर देंगे? होता ये है कि बाबा जो है मार दिए जाते, क्योंकि वहाँ पे हम लोग के ऊपर रश हुआ होता, वो वाली क्लिप सेव नहीं हो पाती, न जाने कैसे अब। बट हम एनी हाउ सर्वाइव करके उन लोग को मार पूर के और यहाँ तक आ जाते, और यहाँ पे जब लास्ट जोन बनने वाला होता है, यहाँ पे दो तीन स्क्वाड आपस में भिड़ेंगे, हमको भिड़ेंगे, पता नहीं क्या भिड़ेंगे क्या नहीं भिड़ेगा, बट भिड़ेगा ज़रूर। काफ़ी बंदे हम पे रश करेंगे, और रश करने वालों पर भी रश होगा, और बहुत बंदे, मतलब बहुत ही भयंकर फाइट होने वाली है। हम कुछ नहीं बोलेंगे, देखो बड़ा मज़ा आने वाला है। अब क्या ही बोलूं मैं, ये कैंपर का चोला हमारे लास्ट बंदे को मार देता उसको हम, लेकिन एक हिसाब से बहुत अच्छा किया। अब हम उसको गाली भी नहीं दे सकते बिकॉज उसने हमको बचाने का काम किया। एक तरफ से देखा जाए बिकॉज हमारे ऊपर दो तीन बंदों ने रश कर दिया था, और दो को तो हमने पेल दिया था, तीसरे को भी पेल ही देते, बट ये पीछे से इसने कर दिया। बट दिक्कत कोई नहीं है, उसको तो हमने मार ही दिया, और बचे खुचे लास्ट दो बंदे, और इन दोनों बंदों के साथ देखो क्या ही सीन होने वाला है अब। मेरी किचन ट्रिक आई लाइक इट। ये लो ससुराल वाले ने लोकेशन, दूसरे बंदे की लोकेशन नहीं पता थी, बट बंदा होशियार था, उसने गन साउंड देके बता दिया कि भैया हम इधर हैं। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि घर में है, घर के बाहर है, किधर है, किस तरफ नहीं है। सो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं अपने घुटने वाला, और देखो क्या ही सीन करेंगे उसके साथ अभी हम। इसी इसी एरिया में बस, घरों के आसपास। अभी जो लास्ट वाला बंदा था बहुत ही खतरनाक बंदा था, मतलब कि हम कि उसको ढूंढ ढूंढ के थक गए। सो हम लगाते अपना दिमाग, हम सोचते कि बबल में डैमेज तो जाता नहीं है, बट बबल में खड़े होकर उसको ढूंढने की कोशिश करते, बट वो दिखता नहीं है, और चारों तरफ से ढूंढ रहे। बताए यार कितना खतरनाक वाला कैंपर है कि भैया हम तो छुपे रहेंगे बेटा, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, तुम्हारी ढूंढो हमको, हम नहीं मिलने वाले हैं तुमको। सो जैसे तैसे करके हम इसको ढूंढते हैं, बट नहीं समझ में आ रहा है कहाँ है कहाँ नहीं है। तो फिर हमसे फिर से एक बार फिर से हम सोचते हैं कि बबल रैप में फिर से जाके देखें। सो बबल रैप में हम घुसते, और हमको ये दिख जाता है, ये देखो यहाँ पे छुपे फड़े हैं भाई साहब। अब देखो तो
चिकन डिनर तो निकाल लिए थे, लेकिन बाबा को ये था कि यार तुम्हारा बाबा यार एम नहीं सही से जा रहा है। हम उनको बताते हैं कि हमको बंदा यहाँ दिखा था और वो पीछे से निकला, और बाबा कहते कि नहीं नहीं वो पहले से ही पीछे था। हम कहते नहीं नहीं वो यहाँ हमको दिखा था, कोई दिक्कत नहीं है, अब जो भी था जैसा भी था, बट चिकन डिनर तो निकाल ही लिया। और बाबा देखो हमको समझा रहे होते, कोई दिक्कत नहीं है, बहसबाजी तो हम लोग की चलती रहती है। मिलते बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और बीजीएमआई वालों यार आप लोग हमको भी यार 3.4 अपडेट दे दो ना यार, तरसे जा रहे हैं मतलब जो भी है। चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।